मैं ये समझता हूँ, ये तो अप्रूव हो चुका कि मेमो लिखा गया है और मेरे मिलिट्री लीडरशिप ने भी वादे कर दिया। अलबत्ता ये है, और ये मेरा ख्याल है कि फौजी क्यादत ये चाहेगी, जितना मैं इनको समझता हूँ, कि इसकी पूरी तहकीकात हो, तमाम चीज़ें वाजे हों। लेकिन प्रूफ कैसे होगा? अगर प्रूफ होगा तो प्रूफ तो जैसे हैदर साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, पार्लियामानी पार्टी में होगा, प्रॉपर फोरम पे प्रॉपर डिस्कशन से होगा, दलील से कोई चीज़ साबित होगी और दलील से कोई चीज़ मुस्तरद होगी। लेकिन ये बातें, ये बात किसी तरह मेरी समझ में नहीं आती कि दबाव डाल रहे हैं, उस पर इस्तीफा लेना चाहते हैं, हुकूमत को निकालना चाहते हैं। मुझे तो ऐसी, जितना मैं आपको बता मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कवर करता हूँ, ऐसे कहीं कोई शवाहद नज़र नहीं आए रत्ती बराबर भी। और मेरा ये ख्याल है कि वो अदालत में भी ये कहेंगे कि हमारा क्या ताल्लुक है इन चीज़ों से, वीज़ों का इजरा का मसला है या फलां चीज़ है या फलां चीज़ है, तो इसकी प्रॉपर फोरम पर तहकीकात हो। और इससे मैं एग्री करता हूँ कि अमेरिका ने इस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए फौज को और ISI को और हुकूमत को लड़ाने की कोशिश की है, इसमें स्पेस हासिल करने की कोशिश की है। अमेरिका अंडर प्रेशर है, नीटो की सप्लाईज रुकी हुई हैं, उस दिन सुबह ही रोक दी गई थी और इसमें फिर कंसेंसस बिल्ड किया गया और पूरी कौम में कंसेंसस है। इस सिचुएशन को लड़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। फैसल साहब तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल ये हुसैन हक्कानी साहब का भी माजी जिस तरह का, तो इस आदमी का भी माजी इस तरह का। मैं बहुत सी बातें इसके बारे में जानता हूँ, किसी मुनासिब वक्त पर अर्ज करूंगा। ये कोई देखिए, तहकीकात होनी चाहिए, सारी कौम का मुतालबा है, ये बिल्कुल एक सादा बात है, प्रॉपर जगह पे तहकीकात, फौज भी यही चाहेगी। लेकिन क्या हम उस तहकीकात की जानने के बारे में फाइंडिंग्स तैयार हैं? क्योंकि अभी तक तो जो बातें आ रही हैं वो इंतहाई कंसर्न वाली और परेशानी वाली हैं, कहाँ कहाँ तक बात खुलेगी फिर? नहीं, जो आदमी जिम्मेदार हो, या हम कैसे कह सकते हैं फला आदमी जिम्मेदार है स्टेज पे, जब तहकीकात हो, उसकी एविडेंस मौजूद हो तो पता चलेगा ना। ये दो इंतहाई आला फोरम है पार्लियामानी पार्टी का, क्या मुल्क से बेवफाई जो है इसको वो गवारा कर लेगी पार्लियामानी पार्टी, और क्या फौज अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसको गवारा कर लेगी, वो तो फिर पूरी कौम का मसला है। लेकिन बगैर शहादत के हम किसी शख्स को इसमें मुलव्वस नहीं कर सकते, बगैर शहादत के किसी को मुलव्वस नहीं कर सकते। लेकिन शेख रोहेल साहब, आपसे फिर सवाल वही करूंगी, क्योंकि जिस दिन मियां नवाज शरीफ गए थे अदालत में, वहां पर मौजूद थी, मुख्तलिफ पिटीशंस जारी किए, बार बार कहा गया कि आप लोगों की सिविक ड्यूटी है, एज अ सिटीजन ड्यूटी है, आप लोग बड़े कंसर्न है तमाम मामले में, इस तमाम मामले पे कंसर्न है। तो उसी मेमो में एक बड़ा अहम नुक्ता है कि DGISI जाके मुलाकात करते हैं अरब रहनुमाओं से, इस पे कितने कंसर्न है आप लोग? देखिए, मैं तो पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ, मैं और कहता रहूँगा, ये इस पर मुझे दो राय नहीं है, जो जो जिसका काम है वो उसको करना चाहिए। अब ये देखें ना, ये आप जो बातें कर रहे हैं, जो पहले दिन जो बात की गई कि अगर DGISI किसी अरब शहजादे के पास गए और उन्होंने जाके वहाँ बात की हुकूमत के, तो ये आप क्यों नहीं समझती कि ये हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं? हुकूमत अगर पॉलिटिकली अगर वीक होती है तो फिर ये लोग उस पर हमला करते हैं और सौफीशदी करेंगे। अब यही वो DGISI की कमजोरी कैसे? देखे ना, ये DG हुकूमत की कमजोरी इसलिए है कि बीबी आज कोई पाकिस्तान के जितने आप देख रही हैं या पाकिस्तान के अवाम हैं, जो आज आपके पीछे नहीं है, आज आप कहते हैं जी आप सच बता दीजिए। अब ये देखें, इतना लेदे हुई कि इनको कहा गया कि इस मेमो पे, आज आप कह रहे हैं इस मेमो पे आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करवा लीजिए, अगर कोई शख्स उसमें मुलव्वस है और सारी बात सामने खुल के आ जाएगी। आप देख लीजिए, कंट्राडिक्शन आपके सामने है। अगर आप ये DGISI को ये पूछेंगे, अब पूछेगा कौन? पूछेगी तो हुकूमत पूछेगी ना, अब प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए जिसके अंडर वो काम करता है, क्योंकि तुम किस कैपेसिटी में जाकर उसको मिले थे। अब ये तो इनकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि हर अदारे को अपने जो उसका एक पैरामीटर है उसमें रह के काम करना चाहिए। मेरा मौका तो ये है, क्या तो आपका, मैं तो ये आपका मौका भी ये नहीं होना चाहिए कि आप इसके ऊपर संजीदा इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करें, बजाय पहले से ही कह देने के ये झूठ है? सुबह से मैं कोई 20-25 जर्नलिस्ट, तजिया कारों के, कानून की माहिरीन के ये बयानात सुन चुका हूँ और ऑन रिकॉर्ड हैं, आप चाहेंगी तो दे दूँगा, कि ये जो ISI चीफ के लिए सऊदी शहजादों के लिए गुफ्तगू की गई है, ये मुल्क की तरफ बड़ी गहरी साजिश की निशानदेही कर रही है। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा, यही साजिश है, और इससे पहले जो सदर मुमलिकत पे या जो भी बात होती रही या उससे पहले हुसैन हक्कानी पे, वो भी तो साजिश हो सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि शुरू का पैराग्राफ जो है वो साजिश नहीं है
और नीचे का पैराग्राफ जो है वो साजिश के अंदर आ गया। खुलकर बताना साजिश, खुल के बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, साजिश हो रही है, खुल के बता रहा हूँ। पहली बार 2 मई को, 2 मई के बाद पहली बार हुकूमत और अफवाज इस तरह खड़े हुए थे एक साथ पाकिस्तान के लिए। जब पूरी मई को, 2 मई को नहीं, आई एम सॉरी फैसल, नहीं बीच में नहीं, थोड़ा सा सुन लेना, 3 मई का नहीं फैसल, 3 मई का आप प्रेसिडेंट साहब जो सुप्रीम कमांडर है बात तो सुन ले, आर्टिकल पढ़ ले, वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, वो फौज को एम्बैरेसमेंट का शिकार थी, वो असामा बिन लादेन के लिए नहीं, फौज एम्बैरेसमेंट का शिकार थी, एम्बैरेसमेंट वहां हो रही थी फौज की, जहां पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा साजिश के तहत जो है ना वो यहां तक बात आ गई थी कि इस्तीफे लिए जाने थे, बाकायदा साजिश के तहत इल्जाम थोपे जा रहे थे अफवाज पर। गलतियां तो जहां से, नहीं मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा सर, मेरी बात सुन ले, मैं जहां आ रहा हूं मैं एक बात कर रहा हूं, मेरी नजर से अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा ये जो आपने किताबचा खोला हुआ है मंसूर एजाज का, जो कि जवाब की सूरत में आया और जवाब की सूरत के साथ ही सुबह फजर के वक्त में मीडिया में लीक भी कर दिया, अदालत का ये इख्तियार नहीं कि जवाब लीक कर दो, कोई ये बात करने को तैयार नहीं, नहीं हुआ। चलो जहां से भी, कहां से हुआ फिर जवाब, मुझे तो नहीं भेजा उसने, अदालत से होता तो कहां से हुआ जवाब, कहां भेजा उसने मंसूर एजाज ने, मीडिया को भेज दिया, नहीं मीडिया को नहीं भेजा उसने, पहले अदालत में भेजा है, मीडिया में बाद में आया, सुने मेरी बात। दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रहा हूं ना वो ये है, मेमो है ना, ये तो नहीं हो सकता कि दो का पाड़ा जो है वो 1995 में पढ़ाया जा रहा था और आज आप जो है दो का पाड़ा चेंज करके आज पढ़ा दो। मैं तो आपको क्लियर कह रहा हूं, ये जो सूरत हाल आज है ये 95 में भी थी, उस वक्त वही आ रहा हूं ना, क्या कह क्या, दो एकम दो दुनी चार है ना, लेकिन दो एकम दो दुनी छह तो नहीं होते ना, माजी में भी तो यही मेमो था, यही मंसूर एजाज था, यही बेहतरीन सबूत थे, यही हुकूमत के खिलाफ साजिशें थी, यही अफवाज और हुकूमत को लड़ाने की साजिशें थी, तो उस वक्त इसको सजा क्यों नहीं दी गई जबकि ये पूरा डिस्क्लोज हुआ कि इसने साजिश की है हुकूमत और अफवाज को लड़ाने की, तो कैसे आजाद घूम रहा है, क्यों हुकूमत ने इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्यों उस वक्त इसको इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कोशिश नहीं की गई, क्यों उस वक्त के जजेस ने ये मेहनत नहीं की, प्रेसिडेंट ज़रदारी ने मुलाकात की, सभी ने की, मैं तो कह रहा हूं जिसने लिखवाया ब्रिगेडियर इम्तियाज को ले लें, अभी पता चल जाएगा कि 95 में लिखवाया किसने था, हो सकता है अब भी किसी ने लिखवाया हो, माजी से निकालें इसको, माजी से होता हुआ है, माजी में कहां तक जाएंगे, लेकिन अगर मेमो पे अगर आज आप गद्दारियों की बातें कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये गद्दार था, क्यों नहीं, ये 15 साल बीत गए, आप सुनने को तैयार ही नहीं हो भाई, आप क्या चाहती हो, मेरी समझ से बाहर है, आप पाकिस्तान से वफादार हैं, एक मिनट आप पाकिस्तान सुन तो ले, आप बहस क्यों कर रही हैं, मेरी बात सुने ना, जो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया, ये कोई छोटी बात तो नहीं, आप इतना बड़ा इंट्रो देती भी आई है और हम सुन रहे थे इंट्रो, ये भी हो गया और पाओ को भी हाथ लगा ली और गाड़ी को भी हाथ लगा ली, आप लोग चाहते क्या, मैं तो आपको खबरें बता रही हूँ, आप सच बता दें, अगर आप मुझे एक बात बताएं, खबरें मैं भी तो बता रहा हूँ आपको, यू कुड हैव टोल्ड, मैं भी खबरें बता रहा हूँ, मैं जो खबरें बता रहा हूँ वो सुन ले, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपको आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता दें, हकीकत ये है कि जिसने 95 में लिखवाया था अब भी उसी ने लिखवाया है, ये हकीकत है, निकाले 95 में ब्रिगेडियर इम्तियाज ना, ब्रिगेडियर इम्तियाज का नाम आ गया, ले फोन पे, लेकिन कल तो सेनेट आप छोड़े सारी बातों को, आप ब्रिगेडियर इम्तियाज को फोन पे ले, सेनेट में बैठे एक मिनट, मैं आपसे क्या मतलब, एक सेनेट में सेवन कलर रोड पे बैठ के ब्रिगेडियर इम्तियाज के सामने लिखा गया, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, ले लाइन पे, उनका नाम हम लेते हैं, लेकिन सेनेट में किसको कहा है, वज़ीर-ए-आज़म से पूछे, वज़ीर-ए-आज़म अलग नाम ले रहे हैं, आप अलग नाम ले रहे हैं, मैं तो एक बड़ी बात कर रहा हूँ, उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, 95 में इसी तरह का मेमो था, इसी तरह दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई थी, साजिश पकड़ी गई थी, चंद अफसरान फौज के भी उस साजिश के अंदर आए थे, जनरल अली कुली खान इस चीज के गवाह हयात है, जनरल एहसान, मैं कह रहा हूँ सबूत है, ब्रिगेडियर के बाद बात करते हैं, फैसल साजी साहब ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, उसमें कितनी हकीकत है भी जानने की कोशिश करेंगे, जो वो कह रहे हैं ये उस मेमो में भी इन बातों का जिक्र है, खास कर से आपको इंटरेस्टिंग ये चीज बताऊं, इसमें वो ये भी जिक्र करते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो से मंसूर एजाज साहब बात कर रहे थे, ये भी इसी मेमो के अंदर जिक्र है, वो ये भी कहते हैं कि अपने बॉस को बता दो, जिनका उनका इशारा ज़रदारी साहब के है, कि जब मेरी उनकी बेगम से बात हुई थी तो उसके बाद उनकी हुकूमत भी फारिग कर दी गई थी, इसमें वो ये भी कहते हैं कि डोंट बेट ऑन इट, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्रॉपिंग, वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, वो ये भी कहते हैं कि अगर उनके बारे में मंसूर एजाज के बारे में एक करेक्टर असैसिनेशन होगी तो वो भी हुकूमत को माफ़ नहीं करेंगे, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, मगर सबसे अहम बात मंसूर एजाज के इस जो आज जवाब उन्होंने अदालत को दिया है उसमें एक बड़ी अजीब सी बात पाकिस्तानियों के बारे में लिखी गई है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये जनरल जोन्स को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तानी ऑफिशल्स के ऊपर इतबार ही नहीं करते, वक्फा लेंगे उसके बाद बात करेंगे, कीप वॉचिंग स्पीच।
बताते नहीं है, गलतियां तस्लीम नहीं करते। जब DGSIR ने आपसे ये कहा कि मैं रिजाइन करता हूं, तो आपने कहा नहीं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप काम करें। अगर माजी में लिख सकता है तो अब भी लिख सकता है। माजी में भी बेनकाब होकर जलील हुआ, किसी ने सजा नहीं दी। अगर उस वक्त सजा दे दी होती इन अदालतों ने, तो आज आप ये सूरत हाल नहीं देख रहे होते। और दो इंतहाई अहम फोरा ऐसे हैं जो इसको प्रोब कर रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। कि अमेरिका ने इस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए फौज को और ISI को और हुकूमत को लड़ाने की कोशिश की है। वेलकम बैक। मंसूर एजाज ने सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दिया उसने, वो कहते हैं जनरल पाशा ने कहा कि उनकी और जनरल कियानी की गहरी ख्वाहिश है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल पाशा ने ये भी कहा कि मेमोरेंडम के पस मंजर और मंदराज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने जनरल पाशा को जो भी बताया उसकी शहादत भी पेश की, जनरल पाशा से मिलकर डेटा की तफसीलात को परखा। जनरल पाशा कई बार हैरान हुए लेकिन डेटा के मुताबिक कोई शक व शुबा जाहिर नहीं किया। मेमोरेंडम पढ़कर जनरल पाशा ने मायूसी और बेतौकीरी महसूस की। जनरल पाशा ने भुट्टो, नवाज शरीफ और मुशरफ से मेरे रवाबत का भी पूछा। और अभी अभी हम आपको खबर देते चलें कि इस वक्त असेंबली में बुशरा गौहर साहब ने ये सवाल उठाया कि जिस तरीके से हुसैन अक्कानी साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है, उसी तरीके से DGISI से भी इस्तीफ़ा लिया जाए। हैदर रिजी साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो अपना स्टांस बड़ा क्लियर बता चुका हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक इल्ज़ामात साबित नहीं होते, आप किसी भी शख्स को, चाहे वो हुसैन हक्कानी हो, चाहे वो DGISI हो, आप उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। दो इंतहाई अहम फोरम्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, दोनों जगह ये सिचुएशन प्रोब हो रही है। इंतज़ार कर लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जल्दबाजी मत कीजिए, तुंदो तेज बयानात मत दीजिए, ज़रा तहम्मुल कर लीजिए। प्रोबिंग हो रही है, जब प्रोब हो जाए उसके बाद फिर आप जो चाहें। लेकिन एक से तो इस्तीफा ले लिया गया ना, अब दोनों का नाम आ रहा है, उनका मौका भी है कि अगर आपने एक से ले लिया तो आप उनको भी ले लें। कि जब तक मुरीद, यहाँ तो जो कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसिलिटेट किया है हुसैन हक्कानी साहब की टर्न पर, और हुसैन हक्कानी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने, वो ये चाहते थे कि वो इस्तीफा देकर फेस करें इंक्वायरी। देखिए, जो हुसैन हक्कानी साहब ने कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपना इस्तीफा अमेरिका से भेज दिया था, वो हुसैन हक्कानी साहब ये कहते हैं और वो मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है। और मैं उन्हीं उसी बात को समझूंगा जो रिकॉर्ड पर है और जो अब हम प्रोब भी करेंगे। तो लिहाजा मोहतात रवि की जरूरत है, बात संजीदा है, तहम्मुल कर लें। इस्तीफा लेना नहीं चाहिए, बात यह आप पढ़ के देख लें। चौधरी निसार साहब ने यह कहा, गौहर एजाज साहब ने जब ये बात की कि DGISI को इस मामले पर इस्तीफा देना चाहिए और फिर शफाफियत सामने आनी चाहिए। चौधरी निसार साहब ने यह कहा कि अपोजिशन इस अपोजिशन में नहीं है कि इस्तीफा ले, ये तो हुकूमत ले सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि DGISI का मामला जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। DGISI का इस मौके पे आप इस्तीफा मांग नहीं सकते, उनसे कह नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि DGISI मेमो में मुलव्वस नहीं है। या तो यहाँ पे फैसल बैठे हैं, फैसल कहे कि हाँ जी उस वो मुलव्वस है और उसके कोई मतलब सबूत दे दें, तो फिर आप कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ उनका जिक्र नहीं है मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम हाँ उन्होंने, हाँ उस पे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर उससे ये पूछ सकते थे कि भाई तुम किसकी इजाजत से गए थे और किसकी इजाजत से तुमने उससे जाके तहकीकात की और तुम वापस आए, तो तुम्हें अपने इमीडिएट बॉस जो प्राइम मिनिस्टर उसको बताना चाहिए। असल पर बात यह है कि जो असल हकीकत यह है कि जब इस्तीफा लेना चाहिए था उस वक्त आपने कमजोरी दिखाई अपनी। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ने उठ के कह दिया जी कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप काम करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। उस वक्त दैट वाज द राइट टाइम, आप उस वक्त इस्तीफा मांगते हैं कि आप एक एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। एक दो मई की बात है, दो मई का वक्त था जब इट वाज द राइट टाइम, उस वक्त था मंजूर करते, उस वक्त था उनका इस्तीफा लेने का, आपका फेलियर था, इसका मतलब ही नहीं है। एबटाबाद के शहरियों की निगरानी जो है वो जनरल शुजा पाशा का काम है।